वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आपने जो ग्राफिक कार्ड की वीडियो को सपोर्ट किया गाइस, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईएनएसटी कंप्यूटर स्टोर के प्रोसेसर्स के प्राइसेस। ये वीडियो में हम लोग प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड सब कुछ कॉम्बो करेंगे। इंटेल, एएमडी दोनों प्रोसेसर्स और उनके कंपैटिबल मदरबोर्ड्स के प्राइसेस मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो चालू करते और देखते हैं आईएनएसटी कंप्यूटर स्टोर में इंटेल और एएमडी प्रोसेसर्स के क्या प्राइसेस चालू है। ओके, तो आईएनएसटी आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स भी हम लोग ये पूरे वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बट स्टार्ट पे अभी हम लोग देखेंगे इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में। इंटेल प्रोसेसर्स के क्या प्राइसिंग चल रहे, उसके साथ जो कंपैटिबल मदरबोर्ड है वो भी आप हमें बताना कि उसके साथ कौन सा हम लोग मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। सो इंटेल में जो स्टार्टिंग आज की डेट में नए प्रोसेसर से होती है, ये होता है हमारा सेलरॉन। सो ये है आपका 5925 प्रोसेसर, डुअल कोर में आता है, ये 10th जनरेशन है। तो 410 मदरबोर्ड में लग जाता है, तो इसकी कॉस्ट काफी कम होती है, 3900 में आ जाता है। और जिसका घर में बेसिक एजुकेशनल पर्पज का काम है, पढ़ाई लिखाई, यूट्यूब या मूवीज देखना है, या ऑफिस एक्सेल वर्क का काम है, या टैली बिलिंग है, तो उसके लिए परफेक्ट प्रोसेसर है ये। बॉक्स आता है, 3 ईयर वारंटी होती है और प्रोसेसिंग में कहीं से कोई कमी नहीं है। पर तभी भी आप सजेस्ट करते हो सेलरॉन प्रोसेसर, क्योंकि ये एंड ऑफ लाइफ भी होने को आ रहे हैं अभी। नहीं, एंड ऑफ लाइफ नहीं कहेंगे, अगर कंपनी अभी 12th जनरेशन भी इसका लॉन्च कर दिया है तो दैट मींस एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेसिक काम करने वाले लोगों के लिए, जो ऑफिस एक्सेल का काम करते हैं, परफेक्टली चलता है। बस नाम इसका सेलरॉन है, नाम पे मत जाइए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पैसों के हिसाब से। सो सेलरॉन और या फिर इससे ऊपर इसका डुअल कोर का जो आता है पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर। गोल्ड प्रोसेसर में थोड़ी थ्रेडर कैच बढ़ जाती है, तो ये इससे थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है। तो दिस इज कॉस्टिंग अराउंड 3900 और वहीं पे ये 5900 का कॉस्ट कर जाता है हमारा। दोनों ही 10 जनरेशन होते हैं, तो दोनों ही हमारे 10 जनरेशन मदरबोर्ड पे लग जाते हैं। तो अगर बेसिक अच्छे मदरबोर्ड में बात करें 10 जनरेशन में, तो MSI का 410 मदरबोर्ड प्रो सीरीज का ऐसा कुछ रहता है। इसमें NVMe पोर्ट रहता है और डुअल रैम चैनल पे होता है, काफी अच्छा मदरबोर्ड है। और ये आपका 5000 में मदरबोर्ड ये बेसिक आ जाता है हमारा विद HDMI पोर्ट। सो अगर 5000 में ये और 3900 में ये बनाते हैं, 4GB रैम लगाते हैं, तो आराम से 15-16 हज़ार में एक नया PC ऑफिस वर्क के लिए बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तभी भी अगर ये कॉम्बोज के बारे में बात करें हम लोग, ऐसा अगर सिंगल सिंगल लेने जाए और प्रोसेसर मदरबोर्ड कॉम्बो लेने जाए, तो उसमें कुछ प्राइसेस का फर्क पड़ता है क्या? हाँ, होता है। आप खाली प्रोसेसर मदरबोर्ड अलग लोगे तो शायद 100-200 रुपए महंगा पड़े, लेकिन अगर आप किसी डीलर से दोनों कॉम्बो की बात करते हो कि मेरे को प्रोसेसर मदरबोर्ड दोनों लेना है, तो शायद आपके 100-200 रुपए और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ओके, तो अभी आते हैं 9th Gen के ऊपर। मैं देख रहा हूँ आपके पास 9th Gen भी अवेलेबल है। 9th Gen भी है, क्योंकि इसके मदरबोर्ड काफी सस्ता होता है और परफॉर्मेंस लगभग वैसी है। तो जिसको i3 सस्ते में लेना हो, तो 9100F माइनिंग के मदरबोर्ड में यही चलता है, इसी का इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला 9100। तो ये दो प्रोसेसर हो गए हमारे, ये आपका 5500 कॉस्ट करता है और ये 8800 कॉस्ट करता है ग्राफिक कार्ड की, इसमें जरूरत नहीं है। तो माइनिंग का जो आपका TB360 आता है 9 जनरेशन, उसमें ये यूज होते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल 9 जनरेशन लगाना चाहें तो MSI का भी मदरबोर्ड आता है 310, 4200 में ही आ जाता है वो। तो आपकी और कॉस्ट कम हो जाती है। और एक चीज मुझे पूछना था आपको, आप गेमर्स को सपोर्ट कर रहे हो कि माइनर्स को सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि अभी ऐसा बहुत सारे ज्यादा चीज चल रहे कि शॉप वालों को माइनर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गेमर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस और कम होंगे, MSRP तक आएंगे। तो आप बेसिकली किसके साइड पे हो? सपोर्ट की बात नहीं है मेरे लिए, तो जो जिसके यूज की चीज है हमें सबके लिए रखना पड़ता है। तो ये सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनर्स लेके सब अपने घर में रखे जा रहे हैं। सब कुछ अब आज की डेट में तो सब कुछ अवेलेबल है, अगर माइनर को चाहिए, गेमर को चाहिए या पढ़ाई के लिए चाहिए, हर चीज अभी अवेलेबल है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को बॉयकॉट करें या किसी को प्रमोट करें, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ रखना पड़ता है। तो सर ये हो गया 9th जनरेशन। 9th जनरेशन के पास अभी कौन से मदरबोर्ड सपोर्टेड है? देखिए 9th जनरेशन वैसी बेसिक सीरीज है, तो 9th जनरेशन की अगर बात करें बेसिक में, तो ये MSI का 310 मदरबोर्ड आता है प्रो वीडियो, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। ये हमारा 4200 का कॉस्ट करता है। इसमें भी NVMe का सपोर्ट है? क्योंकि अभी तो पूछना चाहिए NVMe। बेसिक वाले में NVMe नहीं, क्योंकि यहाँ सब कॉस्ट कटिंग ही हो रही है। इसी का हाई एंड D365 आता है, उसमें NVMe पोर्ट मिल जाता है, पर वो फिर थोड़ा कॉस्ट नहीं करता। थोड़ा सा हाई एंड में अगर जाए, जैसे 10th के लिए ही, जैसे हमने 410 देखा था, तो 510 आता है। ये 10th और 11th दोनों जनरेशन सपोर्ट करता है गीगाबाइट का। ये 5600 का आता है, ये कुछ बोर्ड ऐसा दिखता है, इसमें NVMe और सब कुछ रहता है। अभी आते हैं 10th Gen के प्रोसेसर्स पे बेसिकली। तो 10th जनरेशन जैसे स्टार्ट करें, तो i3 10 सबसे बेसिक स्टार्ट होगा 10100F, यहाँ आपको ग्राफिक कार्ड इसमें लगाना है और ये आपका 5800 का कॉस्ट करता है। इसके बाद आता है हमारा इसी का नया वेरिएंट 10105, सेम प्राइस कॉस्ट करता है ये भी। तो इसके बाद हमारा आ जाता है 10 जनरेशन 10105 विद इंटीग्रेटेड GPU, यहाँ पे हमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है। ओके, ठीक है। फिर 12th जनरेशन i3 में चले जाते हैं, 12100F, ये आपका 8900 में आ जाता है, यहाँ ग्राफिक कार्ड हमें लगाना है। और इसी का नया वेरिएंट अभी लॉन्च हो गया बिना F वाला, उसमें हमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना, बट दैट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 11000। तो ये सारे हमारे i3 की लाइनअप हो गई, 10th और 12th की। ओके, 9th की थी। i3 में भी अगर आते हैं, i3 में जो रिकमेंडेड मदरबोर्ड्स है आपने बता दिया, H510 वाले रिकमेंडेड मदरबोर्ड, इसके आगे अगर किसी को जाना रहेगा तो आप रिकमेंड करते हो हायर एंड मदरबोर्ड लेने को? हायर एंड मदरबोर्ड इसमें हमारा B460 आ जाता है, उस पे जा सकते हैं, लेकिन i3 के लिए इतना बेसिक ठीक है। 12th जनरेशन के i3 के लिए H610 सबसे सही मदरबोर्ड है। तो जाहिर सी बात, अगर i3 आदमी लगा रहा है, दैट मींस थोड़ा बजट PC बनाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने का i3 या डुअल कोर में कोई जरूरत नहीं है। i5 में हम थोड़ा सा कॉस्टली मदरबोर्ड पे जा सकते हैं। सो ये 610
जेन मदरबोर्ड MSI में आता है, ये हमारा 6600 का कॉस्ट करता है। तो अभी आते हैं i5 के ऊपर। i5 में देख रहा हूँ अपने 10 जनरेशन, 11 जनरेशन और 12 जनरेशन दोनों जितने हैं आपके पास सारे आपने अरेंज कर दिए हैं। तो आते हैं 10 जनरेशन पे। 10 जनरेशन पे कौन सा प्रोसेसर है? 10 जनरेशन में स्टार्टिंग होती है 10400F से, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है इसमें, और ये सबसे बेसिक i5 का CPU इस वक्त अवेलेबल है जो कि 10500 कॉस्ट कर रहा है। इसके ऊपर इसी का इंटीग्रेटेड वर्जन वाला आ जाता है 10400, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ ग्राफिक कार्ड की हमें जरूरत नहीं है, और ये वाला आपको कॉस्ट करता है 12500। फिर ये हम 11 पे आ जाते हैं, 11400F, यहाँ पे 11 जनरेशन है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, तो इसकी कॉस्ट हमारी आ जाती है 12000। फिर इसी का आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड वाला एडिशन, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड हमें नॉट रिक्वायर्ड है, इंटीग्रेटेड है, तो इसकी कॉस्ट हमारी आ जाती है आपकी 15000। सबसे ऊपर i5 में 11500 आ जाता है, ये 11400 का अपर का वर्जन है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है इसमें, और ये हमारा 16000 का कॉस्ट करता है। ओके सर, तो अभी हम लोगों ने देखा 10th 11th जनरेशन के प्रोसेसर्स, पर अभी जो लेटेस्ट लॉन्च है 12th जनरेशन प्रोसेसर, उसमें आपके पास कौन से नए नए वेरिएंट्स अवेलेबल है? देखिए 12th जनरेशन हमारे पास जो i5 में मिले जहां से स्टार्ट होगा, दैट इज 12400F, F मींस इंटीग्रेटेड ग्राफिक रिक्वायर्ड, बॉक्स विद फैन अवेलेबल है, और इसकी कॉस्टिंग 14900 रहने वाली है, और इसी का जो नॉन F जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, जिसमें ग्राफिक कार्ड नॉट रिक्वायर्ड है, वो हमारा 17400। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमारा आ जाता है K सीरीज में 12600K। ठीक है, दिस इज अनलॉक एडिशन i5 में, तो जिसको ज्यादा ओवरक्लॉकिंग करनी है उनके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहता है, और इसकी कॉस्ट हमारी रहने वाली है 24000। और ये हो गए i5 के 12th जनरेशन के प्रोसेसर्स। पर इसमें भी अभी कैसा ना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग K सीरीज ले रहे हैं, F सीरीज ले रहे हैं, उसके लिए वैसे टाइप का मदरबोर्ड लेना चाहिए, तो वो हमें जरा सजेस्ट करना कि कौन से मदरबोर्ड अभी 12th जनरेशन के लिए एप्लीकेबल है। i5 के लिए जो हमारे पास परफेक्ट सेट मदरबोर्ड है, जैसे ये आ गए हमारे 66 सीरीज में, गीगाबाइट का DS3H AX Wi-Fi 6 में आता है ये हमारा, इसी के साथ ये आता है B660 गेमिंग, और इसी में आता है इसका Wi-Fi वाला AC। तो इसकी कॉस्ट की बात करें तो 9700 डुअल रैम स्लॉट, ये इसका Wi-Fi 10900, ये भी डुअल रैम स्लॉट में होता है। DS3H AX ये Wi-Fi 6 में है, और ये 4 रैम स्लॉट में, 4 रैम स्लॉट में हमारे पास ये वाला आ जाता है। दिस इज कॉस्टिंग अराउंड 12500। इसका एंटीना हो जाएगा और Wi-Fi 6 इसमें, एंड 2.5 GHz LAN इसमें भी है, पर ये Wi-Fi 6 नहीं होता। तो ये हो गए सारे i5 के लिए मदरबोर्ड। अभी आते हैं i7। i7 में आपके पास 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन तीनों अवेलेबल है। सारे मेरे पास अवेलेबल है ये वाले। i7 10 जनरेशन से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 10700F, F मींस इंटीग्रेटेड ग्राफिक रिक्वायर्ड, दिस इज कॉस्टिंग अराउंड 22900। इसके ऊपर आते हैं तो 11th में हमारे पास आ जाएगा 11700F, ग्राफिक कार्ड इसमें हमें रिक्वायर्ड है, एंड दिस इज कॉस्टिंग 25400। इसके ऊपर जाएंगे इसी का K एडिशन आ जाएगा। K मींस फैन हमें इसमें अलग से लेना पड़ेगा, कूलिंग सॉल्यूशन इसमें नहीं आता, बट ग्राफिक ऑन बोर्ड रहता है इसमें। तो K वाले की बात करें तो ये वाला हमारा 28500 का कॉस्ट कर रहा है। दीज आर ऑफ 11 जनरेशन। ओके सर, तो अभी आते हैं 12 जनरेशन के i7 के ऊपर। i7 में आपके पास क्या क्या वेरिएंट अवेलेबल है? i7 में 12 जनरेशन में हमारे पास 12700F और 12700 आता है। 700F में ग्राफिक कार्ड लगाना है, 700 में नहीं लगाना है, तो जो 12700 हमारा कॉस्ट कर रहा है 27300, ये 12700 विद इंटीग्रेटेड वाला कॉस्ट कर रहा है हमारा 29500। इसके ऊपर इसी का K सीरीज का CPU आ जाता है हमारे पास 12700K। K मींस अनलॉक्ड हो जाएगा, फैन हमें अलग से इसमें लगाना पड़ेगा, और ये वाला जो हमारा कॉस्ट कर रहा है 35600। ओके सर, तो अभी हो गया i7 के बारे में। i7 के बाद i9 में ज्यादा लोग i9 मोस्टली यूज नहीं करते, पर टॉप एंड में आपके पास क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? i9 मतलब बहुत ही टॉप एंड चला जाता है उसका, फिर काफी बजट ऊपर निकल जाता है, तो लोअर बजट वालों के लिए तो हमारे पास ये रहता है 1080 850 के i9 10th जनरेशन में आता है। ये कॉस्ट बहुत ही नीचे करता है हमको, 28500 में कॉस्ट कर जाता है K एडिशन का अनलॉक। सबसे सुपीरियर में जो इस वक्त चल रहा है i9 में स्पेशल एडिशन आया है 12900K और OBX करके उन्होंने इसको दिया नाम, स्पेशल एडिशन सीरीज बोल सकते हैं यहाँ पे 13B कैच में। ये स्पेशल एडिशन है, सबसे ज्यादा कॉस्टली अभी का यही प्रोसेसर है हमारा, 66000 इसकी बिलिंग प्राइस। ये K प्लस मतलब स्पेशल एडिशन हो गया, और इसमें बेसिकली K भी आता है, उसका प्राइस 50000 है। ये अभी लेटेस्ट लॉन्च है तो 66000 का कॉस्ट कर रही है। तो इसके अगर कंपेटेबल मदरबोर्ड्स देखने जाए तो कंपेटेबल मदरबोर्ड्स क्या क्या आएंगे इसमें? 12 जनरेशन में हाई एंड मदरबोर्ड में जाएंगे हम तो Z690 सीरीज हो जाती है हमारी, तो MSI में ये आता है हमारा Z690, 18500 कॉस्ट करता है। इसी में गीगाबाइट में जो आते हैं ये Wi-Fi 6 के साथ आ जाता है Z690 UDAX में, ये हमारा 20500 कॉस्ट करता है। दो ही कंपनीज अभी करेंटली आ रहे हैं कि और भी कंपनीज के Z690 वेरिएंट अवेलेबल है, मतलब बहुत मॉडल आते हैं, सबका Wi-Fi नॉन Wi-Fi आता है, तो अवेलेबल सारी रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम वीडियो बना रहे हैं आज की डेट में हमारे पास ये रखा हुआ है। और सबसे सस्ता अगर देखने जाए Z690, कौन सा कंपनी ऑफर करती है Z690? इस वक्त मेरे पास तो MSI में यही मतलब स्टार्टिंग मॉडल है, जहां से स्टार्ट हो रहा है Z690P मॉडल जो आता है। ओके, तो ये हो गए सारे इंटेल के प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड, थोड़े बहुत मदरबोर्ड हमने देख लिए, मदरबोर्ड तो बहुत है। ओके सर, तो अभी आते हैं AMD पे। AMD में देख रहे हैं इंटेल इतने ज्यादा प्रोसेसर्स की वैरायटीज नहीं है, पर जो भी है अभी हम लोग कवर करते हैं। AMD में सबसे स्टार्टिंग में कौन से प्रोसेसर आ रहे हैं? स्टार्टिंग तो एथलॉन 3000G से होती है, वो आज की डेट में ट्रे में ही अवेलेबल है, एथलॉन 3200G 435
5650G, 4650G, ये चार एडिशन तो ट्रे में ही आ रहे हैं, तो इससे कवर हो रहे हैं हमारे। बाकी इतने वेरिएंट इंटेल की तरह ये लोग नहीं बनाते कि एफ नॉन एफ और फिर उसके ऊपर या उससे पॉइंट ऊपर ना। तो हमारा जो इस वक्त बेसिक बॉक्स में स्टार्टिंग हो रहा है दैट इज राइजन 5 3500, 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर होता है ये हमारा इस वक्त 11600 कॉस्ट कर रहा है। ओके, 3500 से पहले जो 3200G, 3400G, 3000G इसके अप्रोक्स प्राइसेस बता दोगे? प्राइस बता देता हूँ, एथलॉन राइट नाउ हमारे पास 4900 में है और उसके ऊपर 3200G इस वक्त 10600 में है, 4350G 12500 और राइजन 5 में जो 3400G आता था उसके ऊपर 4650G आ रहा है जो कि हमारा 14000 में इस वक्त अवेलेबल है। ओके, और 3400G बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आएगा वापस कि नहीं, नहीं तो... 3400 क्या था वो 4 कोर 8 थ्रेड था और 4650G हमारा वो 6 कोर 12 थ्रेड है। तो उसी सेम प्राइस में हमें 6 कोर 12 थ्रेड मिल रहा है तो इस वक्त वही चल रहा है। ओके सर, तो ये हो गए सारे बजट हमारे प्रोसेसर जो है, तो बजट प्रोसेसर के बाद इसके जो कंपेटेबल मदरबोर्ड्स है, इसके कंपेटेबल मदरबोर्ड्स के बारे में हमने जो बताना कि कौन से मदरबोर्ड्स कंपेटेबल है। बेसिक सीरीज जो हमारी हो गई एथलॉन 3200G, इन सब बेसिक के लिए तो हमारा A320 ही सबसे बेस्ट है जो कि हमारा 3800 कॉस्ट करता है। 3800 में A320 सारे ब्रांड में मिल जाता है, MSI, Gigabyte, ASRock सब मिल जाता है, तो ये सबसे बजट वाला हो गया। तो जो प्रीमियम सीपी हमारे बॉक्स पैक हो गया तो इनके लिए हम लोग फिर B450 पे जा सकते हैं, जैसे B450 Aorus Elite या B450 DS3H या B450 DS3H Wi-Fi, ये सब हमारे पास मदरबोर्ड अवेलेबल है। ये 7900 कॉस्ट करता है। पर ये तो B450 Aorus हो गया, इससे सस्ता अगर देखने जाए सबसे सस्ते में हमारे पास B450 में मिल जाएगा प्रो BDH MSI में 5000 में कॉस्ट कर रहा है और Gigabyte का मिल जाएगा S2H और DS3H। तो अभी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर के ऊपर। 3500 के बाद 3600 होता है जिसका रोल ओवर हमारे पास आ गया है 5500। ओके, ये 6 कोर 12 थ्रेड है, 3600 से काफी ऊपर है क्योंकि ये 5000 सीरीज में हो गया, 7 नैनोमीटर है और इसकी कॉस्ट 15600 है। इसके ऊपर जाएंगे तो 5600G मीन्स इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक है और इसकी ग्राफिक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बस इसमें हमें एक डुअल चैनल रैम लगानी है और इस वक्त इसकी कॉस्ट 20900 है। इसी का जी की जगह इसका एक्स वेरिएंट आ जाता है 5600X, प्राइस लगभग सेम है। ये उनके लिए जिनको ग्राफिक कार्ड लगाना है PCIe Gen 4 आ जाता है, जो ग्राफिक कार्ड लोग प्लान कर रहे हैं वो 5600X ले सकते हैं और जिनको भी ग्राफिक कार्ड नहीं लेना उनके लिए 5600G सबसे बेस्ट ऑप्शन। ओके, मतलब दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों के सेम है। तो इतने ये राइजन 5 हो जाते हैं, ये सारे राइजन 5 हमारे बॉक्स में, इसके ऊपर राइजन 7 आ जाता है। ओके, तो राइजन 5 में अगर देखने जाए, राइजन 5 में कंपेटेबल मदरबोर्ड्स क्या होते हैं? राइजन 5 में हम जो मदरबोर्ड अच्छे लगा सकते हैं, स्टील लेजेंड ले सकते हैं, काफी चाहिए मदरबोर्ड है, 8800 के करीब कॉस्ट कर सकता है, या फिर हम B550 सीरीज में जा सकते हैं, टफ एडिशन वाईफाई आता है 15000 के रेंज में, या फिर B550 प्रो VDH वाईफाई 11000 के रेंज में B550 सीरीज इंक्लूडिंग वाईफाई, ये दोनों ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अगली सीरीज हमारे पास आ जाती है राइजन 7, 3000 सीरीज में हमारा राइजन 7 का सबसे फेमस सबसे डिमांडेड मॉडल 3700X क्योंकि ARGB फैन के साथ आ जाता है हमारा 8 कोर 16 थ्रेड में, 35 MB इसमें कैच अवेलेबल है हमारी और इसकी कॉस्ट कर रहा है इस वक्त 25000। इससे ऊपर इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला मॉडल 5700G, इसमें ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक डुअल चैनल अगर हम रैम लगाते हैं तो इसकी ग्राफिक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, ये इस वक्त कॉस्ट कर रहा है हमारा 26500। इसके भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो राइजन 7 5000 सीरीज का 5800X 8 कोर 16 थ्रेड PCIe Gen 4 पे, इसमें फैन नहीं आता है, यहाँ से फैन बंद हो जाता है, हमें फैन अपना अलग लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन कुछ भी अपना अलग सोर्स करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट इस वक्त 32500। पर इसमें लिक्विड कूलर रिकमेंडेड है कि हम लोग नॉर्मल एयर कूलिंग नॉक्टुआ का जैसे हो गया हैंड एयर कूलिंग ले सकते हैं? सर्दियों के मौसम में तो एयर कूलर ठीक है, पर जैसे मई और जून या बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है तो उसमें लिक्विड कूलिंग ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वही इसको ओवरक्लॉकिंग मैनेज कर पाएगा। तो अभी आते हैं राइजन 9 के ऊपर। राइजन 9 में देख रहा हूं 59 है आपके पास। 5000 सीरीज में 5900X मॉडल अवेलेबल है जो सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये 39990 का है, ऑलमोस्ट 40000 का है। इसके ऊपर जो मॉडल आता है 5950X दैट इज कॉस्टिंग 54000 और 14000 में बहुत ज्यादा एकदम से ऊपर भाग जाता है, तो सबसे ज्यादा ये बिकता है राइजन 9। और इसमें और एक नया आया है 5800X 3D। हां, 5800X 3D अभी लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर है, नया लॉन्च मॉडल है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव करी है इसमें, तो वो भी चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा। ओके, तो उसका एक अप्रोक्स बता सकते हो क्या रहेगा? इस वक्त राइट नाउ वो 36000 के करीब कॉस्ट कर रहा है। ये जो आप प्राइसेस बोल रहे हो ये ऑल इंक्लूडिंग GST है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। और गाइस, हम लोग ने ये पूरे वीडियो में इंटेल और AMD उनके मदरबोर्ड्स के साथ सारे प्रोसेस कवर कर दिया। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और सर, अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना रहेगा और किसी को अगर आपके शॉप पे आना रहेगा तो एक लोकेशन बता सकते हो आपका शॉप का? लोकेशन कहां पर है? लखनऊ में नाजा मार्केट में लोकेटेड है। यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप एयरपोर्ट या मेट्रो कैसे भी आते हैं तो मेट्रो स्टेशन हजरतगंज का गेट नंबर 2 यहीं पे लोकेटेड है। आप चारबाग या कहीं से आइए, मेट्रो स्टेशन पकड़िए हजरतगंज के, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्जिट लीजिए और हमें कॉल कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच सर। गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द विशेस कम टू गाइस।